अखिलेश जी 2024 क्योंकि चुनावी ईयर है, 2024 की बात हो रही है, आप लोग भी 2024 की तैयारियों में मस्त हैं, लगे हुए हैं, क्या 2024 के चुनावों में विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए, क्या रुक पाएंगे? मुझे उम्मीद है और उत्तर प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर, और खासकर उत्तर प्रदेश जहां से 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, इस बार 2024 में यहां से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि जितने भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज पूरे नहीं हैं। जनता ने बहुत समर्थन किया, दिल्ली में सरकार उनकी 10 साल पूरे कर रही है, यूपी में सरकार उन्हें दोबारा मौका मिल गया है, लेकिन काम कहां जमीन पर हुआ? वही किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान को एमएसपी नहीं मिली, और जो भी फसल किसान पैदा कर रहा है आज उसकी एमएसपी नहीं मिल रही है। गेहूं बाजार भाव में इसलिए ज्यादा चला गया क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने सब खरीद लिया, सरकार के खरीद केंद्रों पे कोई गेहूं नहीं आया, धान में किसान लूटा गया, बर्बाद हो गया, आलू किसान का नहीं खरीदा गया, अभी सनफ्लावर है उसका एमएसपी को लेकर के कई किसान आंदोलन किए, कई प्रदेशों में आंदोलन पर आ गए, लेकिन यूपी में तो नहीं मिला एमएसपी पर। इसी तरह मस्टर्ड है, सरसों का कोई भाव नहीं, किसान के जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं लाभ मिल पा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। चुनाव करीब है, कुछ महीने बाकी चुनाव के हैं, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगी। लेकिन कैसे हटाएगी, आपके पास क्या फार्मूला है, क्या विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तभी हट सकते हैं, या जैसे लड़ रहे हैं आपस में ही लड़ रहे हैं विपक्ष, तो क्या उस ढंग से हटा पाएंगे बीजेपी? बहुत दिनों से लगातार इस बात की कोशिश हुई है और समय समय पर लीडर्स ने दूसरे दल के एक दूसरे से मिले हैं, दूसरी बैठकें हुई हैं लगातार। मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख को कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और जो सब दल बैठ करके बातचीत करके कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। मतलब विपक्ष एकजुट हो जाएगा आपको लगता है 23 जून के बाद की बैठक जो होगी? 23 को बैठक है, बहुत दिनों बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है, स्वाभाविक है कि सभी दल अपनी राय रखेंगे, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था 2014 में, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, जब पीछे मुड़ करके देखेंगे, क्योंकि केवल हमें आज तक का नहीं देखना है, कल क्या भविष्य होगा, कल तक क्या होना है वो कौन तय करेगा, इसलिए जनता जब आकलन करेगी 10 साल का और भविष्य देखेगी तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होगा। मतलब आप इस कैपेसिटी में, इस ताकत में है कि आप बीजेपी को हरा पाएं, या आपको लगता है कि विपक्ष का साथ भी होना जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, मायावती तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है विपक्षी एकता में, आपको लगता है कि यूपी की अगर बात कीजिए आपके प्रदेश की, तो क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आपको लगता है कि बीजेपी को रोक पाएंगे यूपी में खासतौर से? मैंने पहले भी कहा और फिर वो बात को कहता हूं मैं, समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया, बीच में 22 का जब चुनाव आया अभी उस समय भी समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को साथ लाने का काम किया, लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलना चाहिए था वोट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूं कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो बड़े दिल से आए और बड़ा दिल लेकर के समाजवादियों का समर्थन करें, सहयोग करें, जिससे कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। तो आप कांग्रेस हो, समाज बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उनका सम्मान रखेंगे लोकसभा चुनाव में, उनको जो उनका सम्मानजनक सीटें हैं वो दी जाएंगी आपकी तरफ से? अभी किस रूप में गठबंधन होगा, कौन से दल साथ आएंगे, ये भविष्य की बात है, लेकिन मैं अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से कह सकता हूँ, समाजवादियों ने हमेशा बड़े दिल से लोगों को जोड़ा, साथ लाए, उनको जो सम्मान दे सकते हैं पहले भी सम्मान दिया, आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी और परिस्थितियां यही बनती नजर आ रही हैं कि जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो जिस तरीके से समाजवादियों ने साथ लिया था उन्हें, उसी तरह समाजवादियों का साथ दें वो दल। मगर खास तौर से मैं फिर ये सवाल पूछता हूँ आपसे, कांग्रेस और मायावती आप चाहेंगे कि वो भी साथ आए,
ताकि बीजेपी को रोका जा सके, मैं खासकर दोनों पार्टियों, क्योंकि छोटी पार्टियों के साथ तो आपने गठबंधन किया, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी को आपने कहा था कि उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आप उसको भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं? कई बार लीडर्स जो आए हैं जिनसे बातचीत हुई है, मैं समझता हूँ 23 तारीख को जब बैठक होगी इन बिंदुओं पर भी बात होगी, और हो सकता है किसी न किसी के पास कोई बड़ा सुझाव हो, प्रपोजल हो, जब चीजें सामने आएंगी तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। मतलब लेकिन साथ लेके चलने को तैयार हैं आप दोनों को? नहीं, मैंने तो ये कहा कि समाजवादियों का साथ दें बड़े दिल से बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी लगातार अपना संगठन और लगातार किस तरीके से वोट बढ़ाया जाए उस रास्ते पे काम कर रही है। तो एक बार फिर राहुल गांधी और आपकी जोड़ी जो दिखाई दी थी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, एक बार फिर दिखाई दे सकती है अगर ये फार्मूला बनता है, अगर सहमति बनती है 23 तारीख की मीटिंग के बाद, जैसे आप भी ऑफर कर रहे हैं कि बड़े दिल के साथ आए, समाजवादी पार्टियों ने सबका सम्मान किया, आप चाहेंगे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर दिखाई दें एक साथ? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्या क्या रूप होगा, कौन साथ आएगा, क्या जोड़ियां बनेंगी, लेकिन 23 तारीख या 23 के बाद लगातार जो बैठकें होंगी उससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी चुनाव में समय भी है, कुछ महीने हैं। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अपने सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है, और संगठन के बाद संघर्ष होगा, रास्ते कैसे निकलेंगे वो भविष्य की बात है। पर अखिलेश जी, एक चीज देखी गई है, विपक्ष एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो अपना रास्ता अलग से चला रहे हैं, जैसे मायावती कहीं इस पूरी मीटिंग में दिखाई नहीं दे रही है, कहीं विपक्षी एकता की जुटता की जो बात हो रही है उसमें अलग रास्ता चुने हुए, चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, उन्होंने भी कोशिश की, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग नेताओं से बात की, आप जगन मोहन रेड्डी की बात देख लीजिए, नवीन पटनायक की देख लीजिए, तो ये चंद्रशेखर चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, तो ये लोग विपक्षी जो एकता है उससे अलग रास्ता नहीं, तो कैसे आप लोग करेंगे, विपक्ष खुद बटा हुआ है। बहुत से लीडर्स इसमें, आदरणीय केसीआर साहब जो मुख्यमंत्री तेलंगाना, उनसे बात हुई है, और भी दल हैं लीडर्स, उनसे बात हुई है, वो जहां बीजेपी या अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वहीं मैं ये कह सकता हूं देश को, और जो मैंने शुरू में कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहीं से जीत करके सरकार में और दिल्ली की सरकार में शामिल हुए थे, वही परिस्थितियां 19 में बन गई, कोई देश में हरा पाया बीजेपी को तो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन ने हराया। मेरा यह मानना है कि जिस समय यूपी और यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, उसी समय देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश की सीटें माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार नहीं है, वो गठबंधन की सरकार कहलाई जाएगी। इसलिए भूमिका उत्तर प्रदेश की बड़ी होगी। इसी मैंने बार बार कहा कि जो दल बीजेपी को हराना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ दें। बड़े दिल से समाजवादी पार्टी ने हमेशा समझौता किया, साथ लाने का काम किया। हमें उम्मीद है इस बड़ी लड़ाई में, जहां लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, देश को उस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है जहां मानवता खत्म होती जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई कानून व्यवस्था की, बड़े पैमाने पर जो रोजगार देने की बात कर रहे थे आज रोजगार भटक रहे हैं, आंकड़े ऐसे दिखाते हैं जिससे कि सभी नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गया, बड़े बड़े आयोजन किए गए, यहां पर देश के प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आए, लेकिन आज वो निवेशक कहां है, इन्वेस्टर्स कहां है, पर है इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया जमीन पर। अगर इन्वेस्टमेंट का भरोसा नहीं है और बाहर लगातार लोग जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं बाहर, और भारत छोड़कर के उद्योगपति जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करोगे कि निवेशक आएंगे। इसलिए जहां उत्तर प्रदेश को धोखा दिया बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। तो लेकिन अखिलेश जी, बात हुई यूपी की, दूसरी बात हुई कि आपके विपक्षी पार्टियों की, अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, दोनों जगह कांग्रेस को हरा के आए, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और दिल्ली छोड़ दीजिए, कांग्रेस को कह रहे हैं, हम मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो पहले से ही उन्होंने दावा पेश कर दिया कि भैया हमारी टेरिटरी में घुसो मत, कांग्रेस को तो शर्त लगा दी पहले से ही, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, और कांग्रेस चाहती नहीं है केजरीवाल के साथ? सवाल न्यूज रूम के नहीं है, ये सवाल हमारे आपके नहीं है, ये जब कभी भी बैठक होगी लीडर्स की उस समय की चर्चा के सवाल है। और हम लोग तो देखते हैं इधर कि जहां न्यूज रूम कॉमेडी रूम भी बन गए हैं, आप न्यूज चैनल पे देखिए क्या कॉमेडी हो रही है। तो इसलिए ये कुछ चीजें लीडर्स को आपस में बातचीत करने पर छोड़ दीजिए।
जैसे बंगाल की बात कर लीजिए, बंगाल में लेफ्ट को हरा करके ममता बनर्जी है वो लेफ्ट को पसंद नहीं करती है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले, तो कैसे सब गठबंधन होंगे? जो बात आप चैनल पर हमारे आपके बीच में करना चाहते हैं ये बात लीडर्स पे छोड़िए आप, कि लीडर्स अपने आप को और एक दूसरे के सामने कैसे बात रखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सहमति हो जाएगी, सब डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं, समाजवादियों की हमेशा कोशिश रही है और हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सवाल किसान के सामने खड़े हैं, मान लीजिए गन्ने का भुगतान नहीं है तो कौन गन्ने का भुगतान दिलाएगा? ये सरकार कहती थी 14 दिन में दे देंगे, आज भी किसानों का पैसा बकाया है। ये सरकार कहती थी हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, एक भी मंडी अगर बनाई हो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ये बताइए आप, एक भी जिला अस्पताल बनाया हो या जिला अस्पताल को ऐसा बना दिया हो कि गरीब का और गांव में रहने वालों का इलाज हो जाए। जो व्यवस्था हम लोगों ने दी थी, मान लीजिए एम्बुलेंस की, वो व्यवस्था खराब कर दी, पुलिस को क्या बना दिया। अभी तक उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी है, मुझे तो ये लगता है कि सब जो डब्बे हैं वो सब अपने आप को इंजन समझ रहे हैं, और उसका परिणाम देखिए उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक डीजीपी नहीं परमानेंट है, जहां सरकार को मुख्यमंत्री को, मैं एक चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, अधिकारी आकर के डिफेंड कर रहे थे सरकार को, आखिरकार अधिकारी किसका कहना मान रहे थे? मुख्यमंत्री जी का कहना मान रहे थे। मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए अधिकारियों को भेज रहे हैं, और अधिकारी इसलिए मजबूरी में काम करते हैं। हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, किसी और की सरकार हो, अधिकारी तो काम करेंगे नहीं करेंगे। आखिरकार उन अधिकारियों से गलत काम कौन करवा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसका परिणाम देखिए 50 किलो चांदी लूट के ले जा रही है पुलिस, उनके सांसद थाने में घुस करके पिटाई कर रहे हैं, अपहरणकर्ताओं को उठा ले जा रहे हैं, अपहरणकर्ता जो थे जिन पे आरोप था उनको बचाने के लिए चौकी में पुलिस को पीटा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी मजबूत कर दिया है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया हमने। सवाल वो नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो काम मुख्यमंत्री करा रहे हैं वो अधिकारियों से क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्या जो कैमरे के सामने गोली मारी जाए ये आपको कानून व्यवस्था की वाहवाही मिलेगी इससे? आपको आपके कैमरे के सामने गोली चल जाए आप वाहवाही करेंगे? आपका गवाह सरकार की सिक्योरिटी में मारा जाए और सरकार की सिक्योरिटी मारी जाए, आप उसको कानून व्यवस्था बोलेंगे? आप कानून व्यवस्था ये क्यों नहीं बोलते हैं आप कि चांदी चुरा के ले जा रही है पुलिस, कार्यवाहक डीजीपी है, ये कानून व्यवस्था है आपकी? लेकिन कानून व्यवस्था के नाम से अखिलेश जी चुनाव जीतते जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा, फिर हम चुनाव की ही बात करें क्योंकि चुनावी साल है, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के विपक्ष को उतरना चाहिए या चुनाव के बाद? क्योंकि शरद पवार जी ने भी कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा पहले चुनाव तो जीत लो, स्थिति में तो हो कि आप प्रधानमंत्री तय कर सकें, तो बिना चेहरे के 2024 में उतरना आपको लगता है बेहतर होगा या चेहरा होना चाहिए? देखिए सवाल ये नहीं है कि चेहरा कौन हो, सवाल ये है कि बीजेपी पहले हटे और चेहरा अपने आप आता है। पूर्व में भी दिल्ली में जो सरकारें बनी हैं, आप और हम जानते हैं, अगर इतिहास को पलट कर देखें, अपने आप चेहरे आ जाते हैं सामने, अपने आप प्रधानमंत्री बनते हैं और अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है। अखिलेश जी एक सवाल ये उठता है कि राहुल कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस का दावा 2024 के लिए मजबूत हुआ है, और जो आगे स्टेट्स के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां भी कांग्रेस दावा कर रही थी हमारी बेहतर स्थिति में है हम लोग, तो क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के बाद और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का दावा 2024 के लिए ज्यादा मजबूत होगा? हालांकि राहुल गांधी का केस चल रहा है कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है तो आपको लगता है 2024 में प्रबल दावेदार होंगे वो? किसी दल के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, माहौल बनता है, बिगड़ता है, कई बार सरकारें बहुत सारे प्रदेश में होती है उसके बाद भी लोकसभा में लोग हार जाते हैं, तो सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 23 तारीख को जब बैठक होगी या उसके बाद भी चर्चा लगातार होती रहेगी, 24 का जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, किस हिस्से में देश के क्या क्या हुआ है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं और जनता के बीच में लगातार जाने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, और बदलाव इतना बड़ा होगा कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। अच्छा एक सवाल ये है अखिलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस हमेशा कहती है कि उससे बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, राहुल गांधी की इमेज बदल गई, जो पप्पू कहा जाता था उनको वो इमेज बदल गई है, आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज में बदलाव हुआ है, फायदा हुआ है कांग्रेस? बीजेपी बहुत समझदार पार्टी है,
वो अपनी इमेज बनाने के लिए और दूसरे की इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा प्लानिंग के साथ बड़े प्रोफेशनल्स को नौकरी पे रख करके और बड़ा आईटी सेल क्रिएट कर करके वो ये काम करते हैं, तो किसकी छवि खराब करनी है और अपनी छवि सुधारनी है? बीजेपी इसी पे खर्चा काम ज्यादा कर रही है। मतलब राहुल की इमेज में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं कि मैं किसी की इमेज के बारे में कहूं, क्योंकि बाद में अगर आज कहूंगा आपसे तो पता नहीं क्या कहानी बना देंगे आप। इसलिए मैं अपने ही स्टैंड पर रहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश करती रही। लेकिन अखिलेश जी, जितने भी सर्वे विश्लेषण आए हैं उसमें नरेंद्र मोदी को बहुत ऊपर दिखाया गया, बाकी विपक्षी जो पार्टियों के नेता बहुत नीचे हैं प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए चेहरे के तौर पर, तो कैसे उनको टक्कर दे पाएगा विपक्ष? स्वाभाविक है, सरकार उनकी है, सर्वे करने वाली टीम उनकी है, तो स्वाभाविक वो नंबर एक पर रहेंगे। लेकिन मैं तो ये जानता हूं इतना सा कि जिस हाईवे पर हरकुलस हवाई जहाज से उतरे थे वो समाजवादियों की डिजाइन हाईवे था, और समाजवादियों ने अगर वैसा डिजाइन न किया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री हरकुलस लेकर के ऐसे एक्सप्रेस वे पर नहीं उतर पाते। हम तो इतना ही जानते हैं बस। लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी और मोदी कई बार बोलते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीबीआई और ईडी के डर से इकट्ठा हो रही हैं, डर के मारे, ताकि कुर्सी उनको मिल जाए और बचा जा सके। देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये कांग्रेस के जमाने में भी चलता था, ये कोई नई चीज नहीं है। और देश की जनता ये समझती है कि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराते हैं। स्वाभाविक है, किसी की जांच कर लोगे कोई ना कोई कमी निकलेगी, किसी की जांच कर लीजिए आप। और ये पहले दूसरी सरकारें करती थी, आज बीजेपी कर रही है। कम से कम कांग्रेस से बीजेपी कुछ तो सीख रही है, कुछ तो कांग्रेस के रास्ते में बीजेपी चल रही है। आप बीजेपी से पहले देखिए, जिन लोगों के ऊपर सीबीआई, ईडी या इस तरह की इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं वो कौन लोग थे, किन पे छापा पड़ता था और आज किस पे छापा पड़ता है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है क्या निवेशकों को बुलाया गया था वो उत्तर प्रदेश में आएंगे कि नहीं आएंगे? भारत छोड़ करके इतने बड़े पैमाने पे उद्योगपति, व्यापारी और पैसे वाले क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी क्यों कैसे खत्म होगी? महंगाई कैसे नियंत्रण में आएगी? किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? और जो आंकड़े कभी कभी आते हैं वो झूठे आंकड़े जो आते हैं, क्या हमारा देश वाकई में तरक्की कर रहा है? इसीलिए मैंने यहां जो अधूरे काम है वो देखिए आप। हमें केवल आज तक की चिंता नहीं है, हमें कल तक की चिंता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी दल साथ आएंगे, क्योंकि कल तक की चिंता सभी दलों को है। विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा जो मोदी को हरा सके, जो टक्कर दे सके? बहुत से चेहरे हैं, क्या चेहरे की कमी है? आप देख लीजिए, सब अच्छे चेहरे हैं। कौन चेहरा खराब है आप बताइए, आप कोई एक बताइए। नहीं, मैं एक क्यों बताऊं, कोई चेहरा खराब नहीं है, सब चेहरे अच्छे हैं। मतलब चुनाव से पहले भी सामने आ सकता है वो चेहरा? ये बीजेपी चाहती है कि ये प्रचार हो कि सभी दल मिलकर के बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं, उसका झूठा प्रचार करेंगे। देखिए, सवाल वो नहीं है, बुनियादी सवाल क्या है? क्या पिछड़े दलितों को सम्मान मिला? आपके जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, VSNL देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, ONGC देख लीजिए, क्या सरकारी नौकरियां निकल रही है? और अगर सरकारी नौकरियां नहीं निकलनी है, इसका मतलब क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार है वो नहीं छीना जा रहा? आप प्राइवेट नौकरियां दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां रख रहे हैं, आप आउटसोर्स नौकरियों में रख रहे हो, क्या इसमें आरक्षण लागू है? ये सवाल बड़े हैं, इसलिए बीजेपी इनसे भागना चाहती है। क्या ये जवाब है बीजेपी के पास कि किस तरीके से खिलवाड़ हो रही है आरक्षण के साथ? वाइस चांसलर देख लीजिए कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वाइस चांसलर किनको अपॉइंट कर रहे हैं, वो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के, आप देखिए क्या आंकड़े हैं। इस प्रदेश के झूठे प्रचार हो रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बना लिया, वो एयरपोर्ट बना लिया। हमें ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सा शिलान्यास किया था जिसका उद्घाटन कर दिया एयरपोर्ट बना करके? अरे, पुराने एयरपोर्टों को ही कह रहे हो आपके एयरपोर्ट बन गए। और दूसरों की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री जी अपने गोरखपुर को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे बना रहे थे। बताइए, 90 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेस वे 6,000 करोड़ का बनेगा। आप दूसरों पे उंगली उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आप बताइए 6,000 करोड़ में कौन भरोसा करेगा आपका कि 90 किलोमीटर आप 6,000 करोड़ की सड़क बना रहे हैं? आपने सपना दिखाया गोरखपुर में मेट्रो बनेगी, कहां गोरखपुर में मेट्रो बन रही? बरसात आ रही है, देखिए गोरखपुर में ना होना चले तो कहिएगा।
झांसी में मेट्रो बनेगी, क्या बनेगी झांसी में मेट्रो? मैंने सदन में पूछा कि स्टेट बजट से मुझे एक फोर लेन बता दो जो आपने बनाई हो। अब कह रहे हो सुपर हाईवे बनाएंगे। अरे भाई एनएचआई एक्सप्रेसवे के लिए पैसा नहीं दे रहा आपको, आप सुपर एक्सप्रेसवे कौन सा बनाने जा रहे हो? इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठा प्रचार करते हैं और झूठा प्रचार कर करके नफरत फैलाते हैं और नफरत के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है, इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का। लेकिन मोदी योगी की जोड़ी को यूपी में कैसे रोकेंगे आप? ये कोई जोड़ी है? अरे सब डब्बे इंजन समझ रहे हैं अपने आप को, ये नहीं पता आपको? जो डब्बे हैं वो इंजन समझ रहे हैं, आप समझिए बात को। सपने बड़े हो गए सबके, वो किसी का चुनाव नहीं देख रहे हैं यहाँ के लोग। एक आखिरी सवाल अखिलेश जी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार बयान आते रहते हैं, चाहे कमलनाथ हो, बहुत से लोगों ने कहा है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उनके अम्ब्रेला के नीचे सबको आना चाहिए। तो पुरानी पार्टी है तो हो सकता है पुराने ख्याल भी हो, लेकिन 23 तारीख को तय होगा। पुराने ख्याल कैसे? नहीं मैं उस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे पुरानी पार्टी है, मैंने कहा पुराने ख्याल भी हो सकते हैं। जो चर्चा 23 को होनी है और उसके बाद लगातार बातचीत होगी तभी कोई रास्ता निकलेगा। मतलब एक पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे आना संभव नहीं आएंगे? मैं कह रहा हूँ कि जब सब दल बैठ रहे हैं तो कोई ना कोई बैठ करके बातचीत होगी। जो बातें हम और आप डिस्कस करना चाहते हैं वो शायद हम आप न डिस्कस करें, जब लीडर्स बैठेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि सब लीडर्स के पास अनुभव है, एक दूसरे के साथ काम किए हैं, गठबंधन चलाए हैं, गठबंधन में क्या क्या दूसरा दल उम्मीद करता है, दूसरा क्या मांग रखता है। कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने गठबंधन न चलाए हो या अनुभव के साथ न बैठे हो, तो शायद उनका अनुभव और उनकी जो सूझबूझ है उससे कोई ना कोई रास्ता निकले। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और यूपी में खास तौर से इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और यूपी में आई थी, यूपी से ही जाएगी बीजेपी, लेकिन 23 जून की जो बैठक है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी के लिए बस इतना ही।